आज वाली क्लास ऑनवर्ड्स भी जो टॉपिक स्टार्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिल्कुल सोचो कि रेगुलर सिलेबस की सबसे लंबी स्टोरी शुरू है अब ऑनवर्ड्स, सबसे लंबा टॉपिक और सबसे इंटरेस्टिंग. पर काम की बात क्या है कि और बहुत ज़्यादा बच्चों का बहुत बड़ा फियर रहता है इस टॉपिक में, पर जैसे जैसे बताया जाए अब ऑनवर्ड्स, रेगुलर जो जो क्लासेस में क्वेश्चंस करें और जो जो इसमें पॉइंट्स करें, अगर एग्जैक्टली वैसे करा तो हमारा इस टॉपिक का क्वेश्चन किसी भी लेवल का कभी गलत नहीं हो सकता. बस एग्जैक्टली जैसे बताया जाए बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना. तो जो करना है अभी स्टार्ट, दैट इज इनडेफिनिट इंटीग्रल्स. तो सबसे पहले अब देखो, फिजिक्स में हमने 11th में इसका बहुत बहुत बेसिक सा नाम सुना होता है, तो हमारे लिए डायरेक्टली जो इसके सिंबल्स हैं वो बिल्कुल अननोन नहीं है. पर अभी शुरू मैथ्स की क्लास में इसी अजम्पशन पे करेंगे कि हमें अभी कुछ नहीं पता, हमने कुछ नहीं करा हुआ पहले, तो बिल्कुल बेसिक बात से शुरू करेंगे. पर वर्ड बाय वर्ड जो बताया जाए उसको पूरी तरह फॉलो करना, और बहुत सिंपल है, बस जैसे जैसे बताया जाए उनमें से हर बात को ध्यान में रखना. चलो अब बिल्कुल इसका बेसिक सेंस समझना शुरू करते हैं. जो पहली सबसे काम की लाइन है इस टॉपिक में वो ये कि पूरी तरह सोचो कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट करने का एग्जैक्टली रिवर्स टास्क है. इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करना, किसी भी टर्म को इंटीग्रेट करना, डिफरेंशिएट करने का एग्जैक्टली उल्टा टास्क है, एग्जैक्टली रिवर्स टास्क. तो इस बात का मतलब क्या बना कि अब अगर बिल्कुल बेसिक बात अगर हम करें तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव डायरेक्टली क्या होता है, 2x. तो 2x का जो इंटीग्रेशन होगा दैट वुड बी एक्स स्क्वायर. साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स. कॉस एक्स का डेरिवेटिव, अब डायरेक्टली टैन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स. तो सीकेंट स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा दैट वुड बी टैन एक्स, एग्जैक्टली रिवर्स. तो जो पहली बिल्कुल बेसिक और जहां से हमारा काम शुरू होना है एग्जैक्टली जो लाइन है वो ये कि हमें क्लेरिटी है कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. एग्जैक्टली ये लाइन हमारे माइंड में सबसे पहले जानी चाहिए. तो अब इस बात को बेस बना के, इसी बात को बेस बना के अब ये सोचो कि ये सारे के सारे फॉर्मूले बने. सोचो कि एक्स की पावर एन, अब एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो एक्स की पावर एन आता. तो एक्स की पावर एन का जो इंटीग्रेशन होगा दैट वुड बी एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन. एग्जैक्टली सोचो कि ये डिफरेंशिएट करे जाने का वर्ड बाय वर्ड रिवर्स प्रोसेस है. तो जितने भी फॉर्मूले अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं इनमें से हर फॉर्मूले का जो बेसिस है वो एग्जैक्टली ये अंडरस्टैंडिंग है. पर ये हमें अब ऑनवर्ड्स बिल्कुल याद होंगे. एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे सोचो. अब सोचो जब हम लोग किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते थे तो हम उसका डी बाई डी एक्स निकालते थे. हम लोग किसी भी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब डिफरेंशिएट करते थे तो उसका डी बाई डी एक्स निकालते थे. तो जब हम किसी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग उस फंक्शन को, नाउ दिस इज द सिंबल फॉर इंटीग्रेशन, हम लोग उस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब इंटीग्रेट करेंगे तो एफ एक्स इंटू डी एक्स करेंगे. डिफरेंशिएशन में अपॉन डी एक्स करते थे, इसमें एफ एक्स इंटू डी एक्स करेंगे. तो ये है इंटीग्रेशन का बेसिक सेटअप, एफ एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन. तो अब हमें क्लैरिटी है कि एक्स की पावर एन का, एक्स की पावर एन डी एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन. एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव होता था एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन. इसका इंटीग्रेशन है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन. ये हमें याद है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी फिजिक्स में भी वैसे करा हुआ है, पर हम लोग अभी क्लास में इस अजम्पशन पे बात करते हैं कि हमें पहले नहीं पता. तो ये हमें अब ऑनवर्ड्स याद है. ऐसे ही ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ई की पावर एक्स, देखो इसका डेरिवेटिव यही होता था तो इसलिए जो इसका इंटीग्रेशन है दैट इज एग्जैक्टली द सेम. ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए. ये सारे लिख के हमें याद रहने चाहिए. लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स, इसलिए वन अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन है दैट इज लॉग एक्स. कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, इसलिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स. साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, इसलिए कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स. देखो एग्जैक्टली रिवर्स प्रोसेस है. सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टैन एक्स, सीकेंट एक्स टैन एक्स का इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स. क्यों? क्योंकि सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव ये होता था, इसलिए सीकेंट एक्स टैन एक्स का इंटीग्रेशन ये होगा. डायरेक्टली कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, और कॉट एक्स कोसेकेंट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसेकेंट एक्स. तो ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले हैं जो कि हमें पूरी तरह हमारे माइंड में सेटल्ड है. तो ये 10, ये 10 फॉर्मूले, तो इनमें से बहुत सारे हमने ऑलरेडी, क्योंकि फिजिक्स में भी यूज़ करे होते हैं इसलिए ऑलरेडी हमारे नाम सीन है.
पर अभी आज के दिन में पहली स्ट्रगल ये आती है कि जब हम डायरेक्टली इनको फॉर्मली यूज़ करने लगते हैं तो पहली बार में ये फॉर्मूले हमें न्यू लगते हैं. क्यों? क्योंकि हमारे एग्जिस्टिंग पैटर्न को ये रिवर्स ऑर्डर में अप्लाई करवा रहे हैं. जब हमने डिफरेंशिएशन करा तो ये एग्जैक्टली क्योंकि उसी का रिवर्स प्रोसेस है. तो शुरू शुरू में बस अभी आज का दिन मैक्सिमम नेक्स्ट क्लास तक हमारा माइंड इनको एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा हेजिटेट करता है, पर उसको ओवरकम करना कोई स्पेशल काम नहीं है. बिल्कुल ये हमें अब ऑनवर्ड्स याद है. कैसे याद है हमें इनके फॉर्मूले? इस तरफ से याद है डिफरेंशिएट करा के. अच्छा, अब इन सब के साथ एक बात सोचो. डिफरेंशिएशन में सोचो, किसी ने एक्स स्क्वायर प्लस फाइव को कहा होता कि डिफरेंशिएट करो, किसी ने कहा होता कि एक्स स्क्वायर प्लस फाइव को डिफरेंशिएट करो, तो मैं समझ में आता कि वो अकेला 2x आता. एक्स स्क्वायर प्लस फाइव को अगर डिफरेंशिएट करो तो वो क्या आता? अकेला 2x. तो या ऐसे बोल दें कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस सी को कोई बोले कि डिफरेंशिएट करो तो वो क्या आता? 2x. इसका डेरिवेटिव आता 2x. तो जब हम 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्लेरिटी में समझ में आता है कि यहाँ पे क्या हुआ कि जो ये कॉन्स्टेंट है उसका डेरिवेटिव जीरो आ गया. तो इनमें से जितने भी फंक्शंस यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, हमें समझ में आता है कि इन अवे इन सब के साथ एक जीरो तो अटैच है ही है. इसको हम x की पावर n प्लस जीरो पढ़ सकते हैं. तो जो वो साथ में जीरो है, उस जीरो का जो इंटीग्रेशन होता वो सिंपली कॉन्स्टेंट आता c. c का डेरिवेटिव जीरो था तो जीरो का जो इंटीग्रेशन होगा दैट वुड बी c. तो इसलिए जब भी कभी हम इनडेफिनिट के क्वेश्चन में इंटीग्रेट करेंगे तो साथ में ये प्लस c हर एक के साथ लिखेंगे. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन. और हमें ये क्लेरिटी है कि अगर हमने, और याद रखना इस बात को कि अगर हमने पूरे क्वेश्चन को कम्प्लीटली राइट करा, उसके बाद अगर हमने एंड में ये प्लस सी उस क्वेश्चन में नहीं लगाया कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन, तो अगर मान लो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एग्जामिनर हमारे वहाँ पे हाफ मार्क कट कर लेंगे. और वो बिल्कुल जेन्युइन है. पूरी तरह ध्यान में रखना कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में एंड में ये हमने प्लस सी साथ में लिखना ही लिखना है. ये मिस्टेक नहीं हम कर सकते. तो हमें पूरी तरह क्लेरिटी है कि इनमें से किसी भी टर्म को सोचो तो साथ में प्लस जीरो कर लो. सो दैट इज इक्वली गुड. तो ये बिल्कुल बेसिक 10 फॉर्मूले हैं जो बोल बोल के याद करना शुरू कर दो और साथ में लिख लो. अब इसी के साथ इसी तरह के करे हुए थोड़े से फॉर्मूले और देखते हैं. अभी ये नोटिस करो, एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे अभी ये फॉर्मूले. साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता था 1/√1 - x2. तो 1/√1 - x2 का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? दिस इंटू dx, इंटीग्रेशन का सिंबल, ये बराबर है साइन इनवर्स एक्स. ऐसे ही -1/√1 - x2 कॉस इनवर्स एक्स. बिल्कुल सोचो कि ये फॉर्मूले हमने रिवर्स ऑर्डर में करे हुए हैं. तो अब ये वही काम है, पर अब हमें राइट तरीके से बोलना आना चाहिए. 1/1 + x2 का इंटीग्रेशन टैन इनवर्स एक्स, -1/1 + x2 कॉट इनवर्स एक्स, 1/(x√x2 - 1) सीकेंट इनवर्स एक्स, और यही वाला माइनस के साथ कोसेकेंट इनवर्स एक्स. तो ये भी हमें सारे के सारे याद हैं. तो जो बेसिक फॉर्मूले हमने करे वो ये 16 फॉर्मूले. 10 हमने पहले करे और 6 हमने अब ये करे. बिल्कुल इंपॉर्टेंट और वर्ड बाय वर्ड जो आज के बाद ध्यान में रखना वो अब ये समझे जो अब सुनने लगे. ये हमने 16 फॉर्मूले करे. जब हमने कभी डिफरेंशिएशन करा, जब कभी हमने डिफरेंशिएशन करा तो उसमें रिकॉल करो कि डिफरेंशिएशन के समय क्लियरली मैंने ही बोला था कि डिफरेंशिएशन के टॉपिक में मेन काम करने वाला डिफरेंशिएशन नहीं है. और वो पूरे सिलेबस में हमने पूरे टॉपिक में इस बात को नोटिस भी करा कि डिफरेंशिएशन टॉपिक में हमारी स्ट्रगल कभी भी डिफरेंशिएशन नहीं होती. डिफरेंशिएशन में हमारी स्ट्रगल क्या होती है? सिंप्लीफिकेशन. वो हम लोग जैसे जैसे टॉपिक में आगे बढ़ते हैं वो हमें समझ में आता है. इंटीग्रेशन में जो करने वाला काम है, डिफरेंशिएशन में जो मेन काम करने का था वो डिफरेंशिएशन नहीं था. इंटीग्रेशन में जो करने वाला मेन काम है वो इंटीग्रेशन ही है. इंटीग्रेशन में जो करने वाला मेन काम है वो इंटीग्रेशन ही है. तो अब इस टॉपिक में बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, पर आज वाली क्लास में सबसे पहले इस गेम के रूल सही तरीके से समझना जो जो बताया जाए. पूरे सिलेबस में आई हैव सीन सो मैनी स्टूडेंट्स जिनको इस बात की इस तरीके से समझ ना आने की वजह से उनका टॉपिक ही हमेशा फंसा रहता है. और हमने एग्जैक्टली सबसे पहले इस टॉपिक में क्या करना है वो सुनेंगे, पर उससे पहले वर्ड बाय वर्ड समझना कि इस टॉपिक में क्या नहीं करना. तो आज के दिन का पहला जो बहुत बड़ा काम है और वो उसको ध्यान में रखना कि इस टॉपिक में हमने क्या नहीं करना. तो दिस वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिस. सबसे पहला काम देखो, डिफरेंशिएशन में हमने क्या करा था? रिकॉल करो कि डिफरेंशिएशन में हमने उसमें यूवी रूल करा था,
NBD फॉर्मूला करा था और बाद में चेन रूल करा. डिफ्रेंसिएशन में हमने UV रूल करा, NBD फॉर्मूला करा न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर वाला, और एंड में हमने चेन रूल करा. इंटीग्रेशन में अपने माइंड में अच्छी तरह बिठा लो, इंटीग्रेशन में UV रूल है. UV रूल इंटीग्रेशन का मतलब दो फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई करते हो तो उसको इंटीग्रेट कर पाने का जो तरीका है वो आएगा अब से कम 10 क्लासेस के बाद, उससे ज़्यादा भी हो सकती है. तो उससे पहले फॉर द फर्स्ट 10 क्लासेस हमारे लिए एक तरह से इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में कोई यूवी रूल नहीं है. तो आज हमारे माइंड में बिल्कुल बैठना चाहिए कि आज की डेट में हमारे पास देर इज़ नो यूवी रूल. एक्चुअली NBD रूल इंटीग्रेशन में होता ही नहीं है, कोई NBD रूल नहीं है. तो वो चीज़ भी रूल आउट हो गई, कोई NBD रूल नहीं है. और उस सबसे बड़ा पॉइंट कि इंटीग्रेशन में कोई चेन रूल नहीं है, कोई चेन रूल नहीं है. इंटीग्रेशन में कोई चेन रूल नहीं है. वर्ड बाय वर्ड अपने माइंड में इस बात को डाल लो, क्योंकि दिस विल एक्चुअली क्लोज द डोर विच विल टेक अस टू द रॉन्ग पाथ. सबसे पहले वो डोर बंद करते हैं जहां से कि हम लोग गलत रास्ते पे जाते हैं. फिर करना क्या है वो उसके बाद सुनेंगे. बिल्कुल ध्यान में रखना, कोई चेन रूल नहीं है, कोई NBD फॉर्मूला नहीं है, UV रूल है लेकिन हमारे लिए आज एग्जिस्टेंस में नहीं है, बहुत दिनों बाद आएगा. और तब तक हम लोग इंटीग्रेशन समझो कि ऑलमोस्ट 3/4 खत्म कर चुके होते हैं, फिनिश कर चुके होते हैं. 3/4 इंटीग्रेशन जब फिनिश हो जाएगी तब जाके UV रूल आएगा. तो फॉर एज ऑफ टुडे हमारे लिए कोई रूल नहीं है डायरेक्टली. इसलिए जो पहली बात इस टॉपिक में समझने की है वो, अब हमने ये नाम सुना, सुनने के बाद भी इस नाम में अभी बहुत बार ये गलती करोगे, दैट इज़ परफेक्टली ओके. आई हैव सीन स्टूडेंट जिनके IIT तक क्लियर हो गए पर वो अभी बिल्कुल बेसिक लेवल पे, एक अच्छा बच्चा कम से कम 5 बार ये मिस्टेक करता है और बाकी बच्चे इसमें बार बार फंसे, इसमें बिल्कुल ब्लॉक होते रह जाते हैं. तो उसी बात को ओवरकम करना कि मिस्टेक क्या होती है. अब देखो हमने ये फॉर्मूले करे, सबसे पहले अपने माइंड में इस बात को अच्छी तरह डालो, और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जितने भी हमले फॉर्मूले करे दे आर वैलिड फॉर ओनली एक्स. जितने भी हमने ये फॉर्मूले करे, इन सारे के सारे फॉर्मूलों की जो वैलिडिटी है वो केवल एक्स के लिए, केवल एक्स के लिए. इस बात का मतलब क्या हुआ, हमें क्लैरिटी है कि dx स्क्वायर प्लस 1, हमने डायरेक्टली अभी भी देखा कि tan इनवर्स x है, लेकिन अब कोई अगर मान लो हमें दे देता dx अपॉन साइन स्क्वायर x प्लस 1, तो हमारा माइंड एक सेकंड में कहता कि साइन x का होल स्क्वायर है प्लस 1. तो ये एग्जैक्टली ऐसे का ही पैटर्न है. तो हम लोग इसको बहुत तेज लिख देते tan इनवर्स ऑफ साइन x. कैसे लिखते, बिल्कुल यहीं से हमने इस पैटर्न को जज करा और ये आंसर बना दिया प्लस सी. जैसे ही हमने ये करा हमारा क्वेश्चन गलत था. क्यों? क्योंकि हमने अभी अभी इस बात को याद करना शुरू करा कि जो ये वाला फॉर्मूले, जितने भी हमने 16 फॉर्मूले अभी देखे, वो 16 के 16 फॉर्मूलों की जो एप्लीकेबिलिटी है वो एग्जैक्टली ओनली फॉर एक्स है, ओनली फॉर एक्स. बस वहां पे एक्स होगा, एग्जैक्टली यही डिजाइन होगा किसी भी फॉर्मूले में, तब वो फॉर्मूला एप्लीकेबल है, नहीं तो नहीं. बिल्कुल हमने क्या समझा कि जितने भी ये फॉर्मूले हैं उनमें सबकी एप्लीकेशन जो है वो एग्जैक्टली इसी पॉइंट के ऊपर बेस्ड है. टू द एक्सटेंट देखो e^(x)dx का इंटीग्रेशन क्या है, e^(x). अब कोई हमें e^(x)² दे दे तो हमारा माइंड कहता कि ये तो सिंपल है, e^(x)² ही हो जाएगा प्लस सी. बिल्कुल गलत. e^(x) का इंटीग्रेशन इतना सिंपल है, e^(x)² एक्चुअली एक नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन है, इसने इंटीग्रेट ही नहीं होना. तो पूरी तरह ध्यान में रखना कि इस टॉपिक में कोई अगर आपका फ्रेंड आपको ट्रैप करने की करे कि ये क्वेश्चन करके दिखाओ, तो उसको बोलना कि पहले मुझे ये क्वेश्चन दिखाओ कि कौन सी बुक में है, कहीं प्रिंटेड भी है कि नहीं. क्योंकि डिफरेंशिएशन में कोई अगर हमें क्वेश्चन अपने आप बना के भी दे दे तो वो भी हो सकता है, इंटीग्रेशन में नहीं हो सकता. इंटीग्रेशन में कोई अपने आप अपने मन से क्वेश्चन बना के देगा वो नहीं हम करेंगे, हमें चाहिए वो क्वेश्चन अगर एग्जिस्टेंस में होगा तो सॉल्व करेंगे. तो ये है इस टॉपिक की सबसे बड़ी ट्रबल, क्योंकि कहीं डायरेक्टली किसी बुक में ये ऐसे लिखा नहीं हुआ. और गड़बड़ क्या होती है कि एक बच्चा इतनी सी बात के ना समझ में आने की वजह से उस वो हमेशा उस डोर से एंटर करने की करता है जो कि गलत है. अब सोचो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ गया, ये है क्वेश्चन, तो एक बच्चा क्लियरली अटेम्प्ट होता है कि उसका आंसर वो ये बोल दे. जैसे उसने ये बोला क्वेश्चन इज़ डन, बिल्कुल उसको डायरेक्टली 0 मिला, क्वेश्चन इज़ ओवर. अगर मान लो ये क्वेश्चन आता, ये वैसे ये क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं है,
पर एक बच्चा अगर मान लो इसको ये सोचे तो इट इज कंप्लीटली रॉन्ग. अब सोचो इसमें कोई कितनी तरह की टर्म्स हैं जो कि हमारे पूरी तरह एग्जिस्टिंग जो हमारे माइंड में जो इम्प्रेशन बना हुआ है बिकॉज ऑफ डिफरेंशिएशन. पहला काम क्या है कि बस उसको ब्रेक करो, ये पहला काम है. अब डी एक्स अपॉन मान लो कोई हमें बोल दे, कोई भी टर्म अगर मान लो हम लोग बना लें, सिंपली किसी ने बोला डी एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस टू, सिंपल सा क्वेश्चन, तो हमारा माइंड कहता है कि वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन था लॉग एक्स, तो वन अपॉन कॉस एक्स प्लस टू का इंटीग्रेशन हो गया लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस टू, सिंपल सा क्वेश्चन है, प्लस सी. जैसे ही हमारे माइंड ने कहा कि इसका आंसर ये बनाओ, हमें क्लैरिटी है कि हमने अपने माइंड की नहीं सुननी. क्यों? क्योंकि हमने अपने बिल्कुल माइंड में फीड करा था और माइंड ने उस बात को हमारे दिमाग ने याद नहीं रखा कि जो जितने भी फॉर्मूले हमने इस टॉपिक में देखने हैं, सबसे बड़ा सबसे पहला इस टॉपिक में आज के दिन में रूल समझना है कि हमने ये नहीं करना. क्या करना है वो बाद में देखेंगे, पर जो पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि हमें ये क्लियरली अभी आज वाली क्लास में अगर ये इंप्रेशन हमारे माइंड में आ गया तो हमने समझो कि आधी ट्रबल से अपने आप को बचा लिया. क्यों? क्योंकि हमने क्वेश्चन गलत नहीं करना. जब हमने गलत नहीं करना तो हमारे माइंड ने बोलना है कि अब सही रास्ता ढूंढो. तो इसलिए पहले सबसे पहले अपने माइंड में इस इतने से पॉइंट को फिट करो कि जितने भी फॉर्मूले हमने देखे उन सब की जो एप्लीकेबिलिटी है इट इज़ ओनली फॉर एक्स. ये पहली सबसे इम्पॉर्टेंट बात है. और सुनने के बाद भी अभी इस बात पे हम बहुत बार गलती करेंगे. हमें लगता है कि हमसे गलती नहीं होगी, पर जब हम अभी जब क्वेश्चंस करेंगे हमें समझ में आएगा कि अरे हमने एग्जैक्टली सेम मिस्टेक करी. तो पहला जो रूल है वो ये कि हमें क्लेरिटी हो कि जितने भी हमने यहाँ पे फॉर्मूले देखे ये एज इट इज़ यही बना होगा तो मेरा फॉर्मूला अप्लाइड है. यहाँ पे एक्स की जगह कुछ भी अगर और होगा तो मेरा कोई फॉर्मूला नहीं है, मेरे पास कोई फॉर्मूला है ही नहीं. तो चलो क्या करेंगे वो बाद में देखेंगे, पर पहले में क्लेरिटी है कि ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे. आपके साथ के स्कूल के सारे बच्चे अगर इसमें गलत करते रहे तो वो उनकी प्रॉब्लम, हमने गलती नहीं करनी. मतलब क्लियर कि अगर किसी ने इसमें इसके आंसर ऐसे बनाया तो उसको इंडेफिनिट उसकी अभी स्टार्ट ही नहीं हुई, क्योंकि ये सबसे बेसिक मिस्टेक है. डायरेक्टली एक सेकंड में हमने डोर एक ऐसे डोर्स पे एंटर कर गए जहाँ पे उसके बाद बस वैली है और वो उस बच्चे ने सोचो कि नीचे बिल्कुल अपने क्वेश्चन को वहाँ पे थ्रो कर दिया. तो ये दिस इज़ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक, ये नहीं करेंगे. अब इस फॉर्मूले में जो हमने फॉर्मूला देखा कि जो हमने अभी 16 फॉर्मूले करे उन सब की एप्लीकेबिलिटी हमने ये तो सुन लिया कि बस एक्स के लिए, और ये नहीं करेंगे. बस केवल एक लिबर्टी है, केवल यहाँ पे केवल एक एक बात हमें करना अलाउड है, वो ये कि अगर यहाँ पे एक्स की बजाय अगर यहाँ पे कभी अगर मान लो एफ एक्स का इंटीग्रेशन अगर मान लो कैपिटल एफ एक्स है, स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन अगर मान लो कि अगर कैपिटल एफ एक्स है, तो जो अकेली लिबर्टी हमें दी गई है, जो अकेली लिबर्टी है दी नहीं गई, हम कभी इसको भी प्रूव करेंगे, वो ये कि अगर वहाँ पे एक्स की जगह अगर कोई लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ एक्स हो जाए, एक्स की जगह अगर वहाँ पे बस एक लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ एक्स, उसमें भी कोई और चेंज नहीं, तब वो फॉर्मूला हम अभी भी अप्लाई कर सकते हैं. बस इतना सा वहाँ पे फ़र्क आएगा कि बाहर सिंपली एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन अगर कैपिटल एफ एक्स है तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन सिंपली कैपिटल एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी ही हो जाएगा, बस एक बाहर वन अपॉन ए करोगे. इस बात का मतलब क्या बना? देखो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर अगर किसी ने कहा तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता? x की पावर n प्लस 1 x क्यूब बाय n प्लस 1 प्लस c, इसका इंटीग्रेशन ये होता. तो 2x प्लस 3 के होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2x प्लस 3 का होल क्यूब बाय 3 और बाहर साथ में 1/2. क्यों आया 1/2? क्योंकि ax प्लस b का जो a था दैट वॉज सिंपली 2, तो इसलिए बाहर बस साथ में 1/a आ जाएगा प्लस सी. सो दिस इज द ओनली लिबर्टी विच वी हैव. इस बात का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो किसी ने बोला साइन ऑफ 5x प्लस 1 को इंटीग्रेट कर दो तो हमें क्लेरिटी है कि दैट वुड बी माइनस कॉस ऑफ 5x प्लस 1 प्लस सी और बाहर इसके 1/5, दैट इज इट. तो अकेली जो लिबर्टी हमारे पास है इन फॉर्मुलों के अप्लाई करने में वो ये है. तो सबसे पहले अभी अभी जो हमने पॉइंट करा इसको अपने माइंड में पूरी तरह डालो कि हमने ये पॉइंट करा. अब देखते हैं कि एक्चुअली करना क्या है. जो पहली जो बड़ी बात है वो ये कि हमें ये बात समझ में आए और बिल्कुल बेसिक सेंस में
अब ये समझना है कि एक्चुअली इस टॉपिक में होगा क्या, इस टॉपिक के किसी भी क्वेश्चन में क्या होगा, और जो जो बातें बताई जाएं बस उनको पूरी तरह ऐसे ही फॉलो करना। तो अभी आज वाली क्लास में हमने जो पहला बहुत बड़ा नाम सुना वो ये अंडरस्टैंडिंग है जो अभी अभी सुनी, इसको नहीं छोड़ना। अब क्या करना है वो देखना शुरू करते हैं, ये नोटिस करो जस्ट पहले। अब एक लाइन समझना और वर्ड बाय वर्ड इस लाइन को भी अब ऑनवर्ड्स फॉलो करना, और ऐसा कोई डायरेक्टली किसी बुक में डायरेक्टली ये लाइन नहीं ऐसे बोली गई, इसलिए बिल्कुल इसको ऐसे ध्यान से समझना। इंटीग्रेशन के चैप्टर में, पूरे चैप्टर में, पूरे अभी आगे तक हम लोग काम करेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है वो एक्चुअली इस वाले क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप है। तो इसका नाम मैंने अपने आप रखा हुआ है आइस ब्रेकिंग स्टेप। सबसे पहला स्टेप क्या है इस टॉपिक में? आइस ब्रेकिंग स्टेप। आइस ब्रेकिंग स्टेप क्या होता है कि इंडेफिनिट का क्वेश्चन हर बार जैसे से आगे बढ़ेंगे बिल्कुल ऐसा ही होगा। IIT में आज तक इसके बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं बना, अगर हमें ये बात समझ में आ जाए। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हर क्वेश्चन में जो शुरू में क्वेश्चन होगा, अभी नहीं, अभी तो शुरू वाले क्वेश्चन बहुत सिंपल अभी हम लोग करेंगे, वो हमेशा क्वेश्चन एक अजीब फॉर्म में होगा। अजीब फॉर्म मतलब एक ऑकवर्ड फॉर्म का क्वेश्चन होगा। ऑकवर्ड फॉर्म का होने का मतलब क्या हुआ कि शुरू में देख के हमें समझ ही नहीं आएगा कि ये क्या दे दिया गया। तो हमारा काम क्या है इस पूरे चैप्टर में, हमारा काम क्या है कि हमने उस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है इनटू अ फॉर्म, हमने उस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है इनटू अ फॉर्म जो कि हम जानते हैं। हमने उस ऑकवर्ड फॉर्म को कन्वर्ट करना है इनटू अ फॉर्म जिसको कि हम उसके बाद जानते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन तो चलो अभी बहुत सिंपल था, 1/√x दिया गया। जो इस वाले क्वेश्चन में सबसे जो कॉमन मिस्टेक होती वो ये कि इसका आंसर एक बच्चा बना देता है log√x + c। जैसे ही किसी ने ये बनाया हम उसको बता सकते हैं कि उसने गलत करा। क्यों गलत करा? क्योंकि हमने ये क्लेरिटी में देखा था कि जो फॉर्मूला हमने बनाया दैट इज ओनली फॉर x, तो उसने √x के लिए क्यों अप्लाई करा? तो अब इसका इसको फिर करते कैसे? हमें समझ में आया कि x^-1/2 है, तो ये x^n था, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है x^(n+1)/(n+1)+c। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, काम की बात क्या थी कि हम लोग के माइंड में ये पिक्चर जानी शुरू। तो हमने अभी अभी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन सुनी, हर बार हर क्वेश्चन इस टॉपिक का शुरू में होगा ही अजीब फॉर्म में, ऑकवर्ड सा क्वेश्चन होगा, हमने उसको ठीक करना होता है, हमने उस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना होता है अपनी डायरेक्टली नोन टर्म में, या फिर जो हम लोग जो फॉर्मूले हमने अभी बनाया, जो फॉर्मूले देखे वो, या फिर ग्रेजुअली जो जो फॉर्म्स हम लोग बनाते जाएंगे उनमें से किसी फॉर्म में कन्वर्ट होता रहे। पर हर बार शुरू में क्वेश्चन ऐसे फॉर्म में ही होगा जो कि हम नहीं जानते होंगे। तो चलो दिस वॉज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, नेक्स्ट करो फटाफट। आज वाली क्लास में बस लगातार केवल फॉर्मूले और बेसिक बात को देखना शुरू करते हैं, तो तेज तेज क्वेश्चन करते हैं बस। और √(1 − cos2x/2) ये क्या बना? डायरेक्टली साइन एक्स। अब देखो शुरू में ये टर्म ऑकवर्ड थी, हमें नहीं आती थी, हमने 1 − cos2x/2 को पढ़ लिया साइन स्क्वायर एक्स, रूट को हमने ज्यूम, मतलब इसमें डायरेक्टली क्या बन गया रूट ऑफ ये साइन स्क्वायर एक्स विच इज साइन एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया? −cos x + c। बिल्कुल डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन था, नेक्स्ट करो। 1 − x √x, दो टर्म्स मल्टीप्लाई कर रही हैं, हमें नहीं आती ब्रेक करनी। तो हमने सोचा कि शुरू में क्वेश्चन अजीब फॉर्म में और ये होना ही था, हर बार ऐसा ही होगा। तो अब हमने दिमाग लगाना होता है कि क्या करें जिससे इसका पैटर्न बन सके। तो ये 1 − x √x में हमें समझ में आया कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया √x − x√x विच इज x^3/2। तो आर वी एबल टू सी कि सिंपली दो टर्म्स बन गई, एक बन गई x^1/2, एक बन गई x^3/2। अब इसका इंटीग्रेशन हमें आता है, ये बन गया x^n अलग से, ये अलग से x^n है, दोनों सिंपली सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो हम इसको ब्रेक कर सकते थे। x^1/2 dx − x^3/2 dx, दोनों में हमने फॉर्मूला अप्लाई करा, क्वेश्चन सिंपल था, अकेले काम की बात क्या थी कि बस हम लोग इसको सही ब्रेक कर दें, और बहुत सिंपल था। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक बात हमने देखनी शुरू करी कि शुरू में क्वेश्चन ऑकवर्ड जोन में था, तो हम लोगों ने डिसाइड करा कि इसको ऐसे तोड़ लो। अब नेक्स्ट करो √x + 1/√x2। तो हमें सबसे पहले ये तो क्लेरिटी है कि ये टी स्क्वायर नहीं है, मतलब ये एक सिंगल टर्म एक्स का स्क्वायर नहीं है, तो हम इसको √3/3 तो बिल्कुल नहीं करेंगे, वो नहीं कर सकते। तो शुरू में क्वेश्चन अभी है एक ऑकवर्ड फॉर्म में, अजीब फॉर्म का सवाल है, और हमें क्लेरिटी है कि यही हमारा काम है कि हमने इसको ठीक करना होता है। तो हमने सिंपली क्या करा, a + b² था, इसको एक्सपैंड करा, वो आ गया x + 1/x + 2। तो जैसे हमने इसको ये टर्म बना दिया, अब हमें क्लेरिटी है कि जो इसके तीन पार्ट्स बने वो हमें तीनों आते हैं, x का इंटीग्रेशन x^2, 1/x का इंटीग्रेशन log x,
2 का इंटीग्रेशन 2x, 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2, तो 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा 2 इंटू एक्स. बिल्कुल ध्यान में रखना वर्ड बाय वर्ड, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस 2x. लॉग ऑफ मॉड एक्स क्यों लिखा, क्योंकि सिंपली x अगर नेगेटिव होगा तो भी लॉग के अंदर जाएगा तो पॉजिटिव ही. तो ये बनी हमारी एक्सप्रेशन प्लस सी. बिल्कुल बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हैं, पर अभी वाली क्लास में केवल अपना फॉर्मूलों के साथ कंफर्ट बढ़ाओ. नेक्स्ट क्लास में और बेटर बात पे चलेंगे, पहली क्लास में केवल फॉर्मूले के साथ अपना कंफर्ट बढ़ाओ. और इस बात को बार बार सुनना शुरू करो और एक्सेप्ट करना शुरू करो कि शुरू में क्वेश्चन ने होना ही ऑकवर्ड फॉर्म में होता है. जो हमने पिछले टॉपिक्स करे उन सब में क्वेश्चन का फॉर्म हम ब्रेक करते थे बहुत तेज. इसमें शुरू में जो ये जो पहला स्टेप है यही है बस काम. इसके बाद देखो हम लोग को स्ट्रगल नहीं आई, ये है मेन स्टेप. अब नेक्स्ट करो. स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x, ये हमें डायरेक्टली समझ है कि इस 1 को पढ़ लो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, वो बन जाता कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट. तो टर्म क्या आ गई, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, कुछ भी बोल लो, क्योंकि हमें दिया तो हुआ नहीं कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा. तो सिंपली मॉडल्स आता वैसे, पर यहाँ पे नहीं, सिंपली साइन एक्स माइनस कॉस एक्स उसको इंटीग्रेट कर दिया, वो आ गया माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी. तो ये था बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन और राइट करना था. अच्छा, अब इसमें ना कई बच्चे गलती करते हैं, तो हमें समझ में आना चाहिए कि उन्होंने क्या गलती करी. बहुत तरह की मिस्टेक्स होती हैं, बहुत तरह की मिस्टेक्स, और इरिटेटिंगली पुअर मिस्टेक्स हैं, तो हमने वो नहीं करनी. जब वो गलती नहीं करोगे तो हमें पेन होगी कि हम राइट रूट बनाना शुरू करें, फिर हम एक्चुअली इस टॉपिक में इवॉल्व करेंगे राइट तरीके से. तो चलो, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था. इस वाले क्वेश्चन में कई बच्चे बिल्कुल ही इसको 1 माइनस साइन 2x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिख देते हैं, तो हमें क्लेरिटी है कि बिल्कुल गलत है. क्यों, हमें रूट एक्स का फॉर्मूला बताया गया एक्स की पावर एन का, इसको हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते थे. हमें एग्जैक्टली जो हमने पहले फॉर्मूले करे, सोचो कि वो हमारे लिए फिक्स डिज़ाइंस हैं, वही डिज़ाइन होंगे तभी अप्लाई होंगे, वही डिज़ाइन होंगे तभी एज इट इज़ अप्लाई होंगे. कुछ भी चेंज हुआ नहीं लगेगा वो फॉर्मूला. तो इस बात को ध्यान में रखना है, बार बार इस बात को ध्यान में रखना है. अब नेक्स्ट करो. अब देखो, ये वाला क्वेश्चन भी उसी अजीब टर्म वाली बात का एग्जाम्पल ही है. अभी सारे क्वेश्चन जितने भी करेंगे सब बार बार हमें एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर टेंड कराएंगे जो हमने सुनना शुरू करा. तो अपने माइंड से बोला करो कि शुरू में क्वेश्चन ने होना ही ऑकवर्ड फॉर्म में है. तो हमारा काम ही ये होता है कि उस ऑकवर्ड फॉर्म को हम लोग ठीक करें कि क्या करें. टैन स्क्वायर एक्स हमें नहीं आता. पहला स्टेप जो आइस ब्रेकिंग स्टेप है वही मेन स्टेप है, इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना इनटू अ फॉर्म जिसके बाद हमें समझ में आता है ये वाला प्रोसेस. तो टैन स्क्वायर एक्स हमें नहीं आता था, तो हमने रिकॉल करा कि इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं. तो याद आया कि ये तो सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन है, और सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन वो जो दो हिस्से बने, हमें क्लेरिटी है कि वो दोनों हमें आते हैं. सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टैन एक्स, जो अकेला वन बना उसका इंटीग्रेशन एक्स. तो मेरी टर्म क्या आ गई, टैन एक्स माइनस एक्स प्लस सी. और बहुत सिंपल था और राइट करना चाहिए था. अब नेक्स्ट करो. कॉस 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डायरेक्टली हमें समझ नहीं आ रहा, शुरू में क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहा, तो बिल्कुल. और इसके बाद अभी ट्रिग्नोमेट्री वाले और भी क्वेश्चंस होंगे. अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में कम से कम 60%, हो सकता है 70%, हो सकता है उससे भी थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन जो हम लोग फेस करेंगे उसमें ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन होगा. तो जो प्लस वन में हमने ए बी सी डी फॉर्मूले सब करे हैं, वो अगर हमें भूले हुए हैं तो उनको फिर से पूरी तरह याद करो. अब अगर हमें वो नहीं याद तो हमारा सारा काम खराब हो जाएगा, और उसका रीज़न क्या होगा कि हमें वाले फॉर्मूले नहीं याद. तो ट्रिग्नोमेट्रिक इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले अभी आज वाली क्लास के बिल्कुल बाद ट्रिग्नोमेट्री में जो हमने प्लस वन में ए बी सी डी फॉर्मूले करे होते हैं, वो सारे डबल एंगल ट्रिपल एंगल वाले फॉर्मूले, वो सारे के सारे हमें एग्जैक्टली वैसे ही मेमोराइज होने चाहिए जैसे कि कभी इलेवेंथ में करे होते हैं, अगर प्रॉपरली करें. अगर नहीं करें तो वो अब याद होने चाहिए. डायरेक्टली साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू, कॉस सी माइनस सी बाई टू, वो सारे फॉर्मूले हमें बिल्कुल याद होने चाहिए बिफोर एक्चुअली मूविंग टू द नेक्स्ट क्लास, नहीं तो हम ज़बरदस्ती इस टॉपिक को ख़राब करना शुरू करेंगे. तो अब इसका बिल्कुल बेसिक सा पैटर्न, बिल्कुल सोचो कि हमें ये नहीं आता डायरेक्टली, हमें ये फॉर्म हम जानते नहीं, हमें कोई फॉर्मूला ऐसा कराया नहीं गया. तो हमारा काम ही क्या है कि इसको हम लोग बिल्कुल ठीक करें ऐसे कि ये ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए जो हमें करवाया गया है, ये हमारा काम है. तो
इस टॉपिक में हमने देखा कि इसको कैसे ब्रेक करें. तो जो cos 2x है, हम जानते थे कि वो उसके बहुत सारे फॉर्म है, cos square x माइनस sin square x या और बहुत सारे. तो अगर हम इस cos 2x को cos square x माइनस sin square x लिख दें, तो आर वी एबल टू सी कि जैसे ही यहाँ पे cos square x लिखोगे, तो cos square x अपॉन sin square cos square x में डायरेक्टली cos square x कैंसिल होके अकेला 1 अपॉन sin square x आएगा. ऐसे ही दूसरी टर्म में अकेला 1 अपॉन cos square x. ये क्या बन गया? cosecant square x, उसका हमें फॉर्मूला आता है. ये क्या बन गया? secant square x, उसका भी हमें फॉर्मूला आता है. तो दिस इज वॉट सिंपली माइनस cot x एंड दिस इज वॉट माइनस tan x प्लस c. ये अपना जवाब बना. अच्छा, इस टॉपिक में ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात समझना, ये भी कोई रूल नहीं है, पर बिल्कुल समझो कि ये इनसाइड स्टोरी है इस टॉपिक की. जैसे अभी हमने एक इनसाइड स्टोरी समझी कि इस टॉपिक में जो मेजर रूल है वो ये कि हमने सबसे पहले समझना ये था कि हम ये नहीं करेंगे, ये मिस्टेक हम नहीं करेंगे क्या, कि जितने भी फॉर्मूले हमने बनाए उन सब की जो एप्लीकेबिलिटी है वो केवल एक्स के लिए. दिस वॉज द फर्स्ट एंड इन फैक्ट वन ऑफ द मेजर पॉइंट्स इन दिस टॉपिक जो कि हमें गलत होने से रोकेगा. हमने वो करा. फिर हमने सुना कि क्वेश्चन जब भी हम शुरू करेंगे तो ऑकवर्ड से फॉर्म में होगा, जैसे अभी यहाँ पे था, तो हमने इसको ठीक करना होता है. तो दिस वॉज द आइस ब्रेकिंग स्टेप, दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप जिसने कि इस क्वेश्चन में हमें राइट तरीके से एंट्री करा दी. अब इसी के साथ अब एक बात समझना, रिकॉल करो कि हमने बचपन में कभी मेजेज वाली गेम्स खेली होती हैं, मेजेज वाली वो जो रास्ता ढूंढने वाली गेम, कि यहाँ से यहाँ पर अगर मान लो, यहाँ पर अगर हमने अगर मान लो माउस अगर बनाया, जो माउस है उसको चीज़ तक पहुँचाओ, हमने ऐसे की गेम्स खेली होती हैं. तो उसमें रास्ते बने होते हैं, हमने हमने डिसाइड करना होता है कि कौन से रास्ते पे जाएं, तो हमने ऐसे की गेम्स खेली होती हैं. तो आज के बाद कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान में रखना शुरू करना कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पूरा चैप्टर, हर सवाल एक्चुअली ये वाली गेम है. और अभी तो क्लियर है, हम लोग इस बात को कम नोटिस कर पाएंगे. नेक्स्ट क्लास में, उसकी नेक्स्ट क्लास में यही बात, हमारी लॉजिक इसी बात में बढ़ता जाने वाला है. हर क्वेश्चन इस टॉपिक का एग्जैक्टली ऐसे कि गेम है. गेम में काम क्या होगा कि हमने इसको राइट आंसर तक पहुँच, मतलब राइट अंडरस्टैंडिंग तक पहुँचाना है, क्वेश्चन एंड तक करना है सॉल्व. तो जो हमने ऐसा होगा क्वेश्चन में कि हमने किसी रास्ते से क्वेश्चन करना ट्राई करा, पर थोड़ा सा आगे बढ़ते ही हमें समझ में आ गया कि नहीं, ऐसे ब्लॉक हो जाएंगे. तो किसी और चैप्टर में जितनी भी हमारी आज तक लर्निंग है उसमें किसी टॉपिक में हम लोग कभी अगर ऐसे ब्लॉक होते थे तो उसको वहाँ छोड़ देते थे. इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में दिस इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस. हम कोई रूट ट्राई करेंगे, वहाँ पे हमें दिखा कि नहीं हम आगे ब्लॉक हो जाएंगे, हो रहे हैं आगे, तो वापस आ गए और फिर कोई और रूट ट्राई करा. और ऐसा बहुत बार होगा इस टॉपिक में, ऐसा बहुत बार होगा और मैं दिखाऊंगा भी. जैसे इसी क्वेश्चन में सोचो कि अगर cos 2x लिखा हुआ है, इसको मेरे मन में आया कि इसको मैं पढ़ लूँ 1 माइनस 2 sin square x. तो इफ़ आई राइट इट एज 1 माइनस 2 sin square x, तो 1 upon sin square x cos square x डायरेक्टली नहीं हो रहा. वैसे वो भी होगा, पर डायरेक्टली अभी मैं इसको एक सेकेंड में नहीं पहचान पाया. तो माई थॉट वुड हैव बिन दिस कि वाई टू एक्चुअली ब्रेक इट इन द फॉर्म ऑफ 1 माइनस 2 sin square x, वाई नॉट टू ब्रेक इट एज cos square x माइनस sin square x. जैसे इसको ये ब्रेक करा तो मैंने एक्चुअली अपना रास्ता नया पकड़ा और वहाँ से डायरेक्टली जो माउस है वो एक्चुअली चला गया वहाँ तक. तो ये है रूट, और ऐसा होगा, बहुत बार होगा. ये थॉट पहली बार सुना है और अभी हमें आगे की जर्नी नहीं पता, तो इसलिए हमारे लिए बात नहीं है, पर जैसे से अभी आगे काम करेंगे तो ये अंडरस्टैंडिंग हमें बहुत बार दिखेगी. अब इसी तरह का ये नेक्स्ट क्वेश्चन करो. अब अगर मान लो सिंपली हमें दिया 1 upon sin square x cos square x, डायरेक्टली हमें समझ नहीं आ रहा इसको ब्रेक कैसे करें, इस एक्सप्रेशन को डायरेक्टली हम ब्रेक करने में अब हम लोग ब्लॉक हो रहे हैं. तो बिल्कुल सोचो कि जो हमने अभी मेजेस वाली जो गेम वाली बात सुनी वैसे ही करना होता है, इसको ट्राई करना होता है कि इसमें क्या क्या कर सकते हैं. तो अब डायरेक्टली हमें समझ, अभी ये क्वेश्चन में ट्रबल क्या आ रही है कि 1 upon sin square x cos square x, वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट कि इसका सेंस कैसे बनेगा. तो एक बात सोचो कि अगर इस ऊपर वाले 1 को, इस जो ऊपर न्यूमरेटर में 1 लिखा हुआ है, अगर इसको हम sin square x plus cos square x लिख दें, पिछले क्वेश्चन में क्या था cos 2x, तो वो डायरेक्टली cos square x minus sin square x बना हुआ था. इस क्वेश्चन में वैसे की टर्म ऊपर नहीं थी इसलिए क्वेश्चन टूट नहीं पा रहा था. तो अगर हम इस न्यूमरेटर वाले 1 को पढ़ लेते sin square x plus cos square x, तो क्या दिखता है कि ऐसा करते ही क्वेश्चन ब्रेक हो गया. सिंपली 1 upon cos square x plus 1 upon sin square x, विच इज डायरेक्टली secant square x plus cosecant square x. वो दो ऐसी टर्म्स बनी जिनके दोनों के फॉर्मूले हमें याद करवाए गए हैं. ये है, ये था काम.
अब सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या, डायरेक्टली टैन एक्स, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी, तो वो अपना आंसर है। ये एक तरीका था, ऐसे करा परफेक्टली ओके, पर इसी क्वेश्चन में क्या पता किसी और बच्चे को ऐसे क्लिक करा कि उसने सोचा कि मैं इसको जानबूझ के 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि इसको 4 से मल्टीप्लाई करते ही ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स बन गया, विच इज साइन स्क्वायर 2x dx, एंड दैट इज एक्चुअली वॉट 4 टाइम्स ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर 2x। तो अगर इसी क्वेश्चन को किसी ने ऐसे भी करा 100% ओके, ये आ गया 4 टाइम्स ऑफ माइनस कॉट 2x होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी। तो ये आंसर और ये आंसर दोनों सही हैं। अब देखो एग्जैक्टली पिछले क्वेश्चन की तरह भी ये क्वेश्चन था, 1 upon sin square x cos square x में अब हमें ट्रबल ये आ रही है कि अब बिल्कुल हम डायरेक्टली कनेक्शन नहीं बना पा रहे। वैसे ही डायरेक्टली न्यूमरेटर में जाके कोसेकेंट स्क्वायर एक्स सेकेंट स्क्वायर एक्स बना, पर वो साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा कई बच्चे देखो इसमें इस क्वेश्चन में ऐसे पैनिक होने की करते हैं, और ये हर बात समझना, बिल्कुल आई हैव सीन ऑल दीज ट्रबल्स। तो बच्चे बिल्कुल इस तरह की गलतियां करने की करते हैं, सिंपली एक सेकेंट स्क्वायर एक्स को सेकेंट स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, एक बच्चा कहता है कि सेकेंट एक्स सेकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टैन एक्स, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी, बिल्कुल गलत। क्या गलती करी उसने कि हमने ये क्लेरिटी में सुना कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में कोई यूवी रूल नहीं है, तो जब टर्म्स ऐसे मल्टीप्लाई करनी है तो हम ये नहीं कर सकते कि इसको अलग से इंटीग्रेट कर दें, इसको अलग से इंटीग्रेट कर दें, बिल्कुल नहीं ऐसा करना। एडिशन में अगर डायरेक्टली u प्लस v इंटीग्रेट हो रहा है तो ये करेंगे, u को अलग से करा प्लस v को अलग से करा, u माइनस v हो रहा है वो भी ठीक है, ये गलती नहीं करनी। तो इसमें अब क्या करते, पिछले क्वेश्चन में न्यूमरेटर में cos 2x था वो तो हैंडल हो गया, तो बिल्कुल सेम तरीके से सोचो कि यहाँ पे जो ये 1 है, क्या हमें दिखता था कि इस वाले क्वेश्चन में आइस ब्रेक, आइस ब्रेक करना मतलब पहला सबसे ज़्यादा जोर लगाने वाला स्टेप करना, कि अगर हम यहाँ पे ऐसा कोई स्टेप करें जिससे टर्म टूट जाए, ब्रेक हो जाए ऐसे फॉर्मेट में जो कि हम जानते हों। तो हमें दिखा कि अगर इस 1 को ब्रेक कर लें कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो इसका बेनिफिट क्या होता, हमें दिखता था कि डायरेक्टली दो टर्म्स बन गई, वो हमें दोनों आती थी, 1 upon cos square x दैट इज सेकेंट स्क्वायर एक्स, 1 upon sin square x दैट इज कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। अब सेकेंट एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम अलग से जानते हैं, टैन एक्स, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये था बिल्कुल बेसिक एक तरीका, ऐसे करा 100% ओके। और हमने क्या करा कि हमने दिमाग लगाया कि इस 1 को ऐसे पढ़ लो, क्यों, क्योंकि ऐसा करने पे इस वाले क्वेश्चन का जो ऑकवर्ड फॉर्म है, जो अजीब फॉर्म है, वो हट जाएगा, बिल्कुल ऐसे सोचना है हमने। इसी क्वेश्चन में अगर मान लो किसी और ने ऐसे करा, उसको ये क्लिक करा कि जो साइन एक्स कॉस एक्स है अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स बनेगा विच इज साइन 2x, तो स्क्वायर है इसलिए 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करा, ये बनी टर्म। ऐसा क्यों करा, क्योंकि हमें दिखा 4 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई कर रहा, उसको बाहर लिख लो, ये आ गया सिंपली कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ 2x। तो कोसेकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स, तो कोसेकेंट स्क्वायर ax प्लस b है तो फॉर्मूला वैलिड है, तो ये आ गया 4 टाइम्स ऑफ माइनस कॉट 2x डिवाइडेड बाय 2, a से डिवाइड भी करेंगे प्लस c। तो अगर किसी ने इसी क्वेश्चन को ऐसे भी करा तो वो भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। देखो दो अलग अलग रूट से इनडेफिनिट में सॉल्व करने पे दो अपेरेंटली दो अलग अलग तरह के आंसर्स लगेंगे, सिंप्लीफाई करे जाने पे एक्चुअली सेम ही है, पर हमें लगेगा कि हमारा आंसर जो बुक में गिवन है या जो हमारे फ्रेंड ने करा उससे अलग आया, पर वो सेम होगा। हो सकता है कि अगर बस इस बात का ध्यान रखना कि कंसेप्चुअली दोनों करेक्ट हों, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए मतलब इस टॉपिक में अगर हमारा मेथड कुछ और है तो ज़रूरी नहीं कि हमारा आंसर या हमारे फ्रेंड का आंसर रॉन्ग हो, इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि हमारी अंडरस्टैंडिंग करेक्ट बननी शुरू हो। तो ये उसी का एक और एग्जाम्पल था। अब नेक्स्ट करो, अब देखो देखने में टर्म बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड साइन स्क्वायर एक्स, पर बच्चे बहुत पैनिक होते हैं। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन लिखा होता है कॉस स्क्वायर एक्स या माइनस कॉस स्क्वायर एक्स या साइन क्यूब एक्स बाय 3, बहुत तरह की गलतियाँ। तो वो सारी गलतियाँ हमने आज के दिन में बंद करी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जितने भी हमने फॉर्मूले देखे एग्जैक्टली वही डिज़ाइन होगा तो हम अप्लाई करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्टली इंटीग्रेशन का कोई हमने फॉर्मूला नहीं करा तो डायरेक्टली ये कॉस स्क्वायर एक्स नहीं बनेगा, हम नहीं कर सकते।
इसलिए शुरू में क्वेश्चन अभी एक अजीब फॉर्म में है जो कि हमें नहीं आता, तो हमने इसको ब्रेक करना है, तो क्या करें? तो सोचा कि इसको कैसे ब्रेक करें, कैसे ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करें जिससे कि ये टूट सके, कन्वर्ट हो जाए ऐसे फॉर्म में जो कि हम जानते हों, हर बार ये काम है। तो हमें दिखा कि जो साइन स्क्वायर एक्स है, अगर इसको पढ़ लें 1 माइनस कॉस 2x/2, तो जो बाई 2 है वो तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया। जैसे ही हमने इसको ये पढ़ा, हमें समझ में आता है कि जो इसके दो पार्ट्स बने वो हमें दोनों आते हैं। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स, कॉस 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन 2x डिवाइडेड बाई 2। क्यों? क्योंकि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स था, तो कॉस ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिंपली साइन ए एक्स प्लस बी पर बाई 2 भी आएगा। तो एग्जैक्टली हमारा आंसर क्या बनता, सिंपली साइन 2x बाई 2 और ये x प्लस सी, ये आंसर है फाइनली। और बिल्कुल सिंपल था, पर इसमें हमने ये गलती नहीं करनी थी। तो बस बहुत बेसिक पैटर्न है, पर केवल देख देख के हम लोग उसको समझना शुरू करते हैं। नेक्स्ट करो, आज तो देखो अभी इस टॉपिक की पहली क्लास है, तो इसलिए अभी हम लोग को बिल्कुल अभी एक दो क्लासेस हमें लगेंगे इस टॉपिक में सेट होना शुरू होते, पर जैसे ऐसे बताया जाए एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो करना। कोई इसमें कोई और कोई कन्फ्यूजन मत लाना, किसी बुक में कोई भी थ्योरी दी हो हमें कोई मतलब नहीं, याद रखना फुल पूरे कॉन्फिडेंस से जैसे बताया जाए एग्जैक्टली वैसे ही करना। अभी क्वेश्चन मेरे सामने आया तो मुझे इसका सेंस नहीं बन रहा, तो मुझे क्या करना चाहिए कि क्या करूं जिससे ये वाला क्वेश्चन एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए जो हमें आता हो। तो डायरेक्टली दिखा कॉस ए कॉस बी है, तो क्यों ना इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लें। तो सिंपली 2 कॉस ए कॉस बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। देखो फॉर्मूले यूज होने शुरू हो गए, तो कॉस ए प्लस बी बना कॉस 4x, उसका इंटीग्रेशन साइन 4x बाय 4, इसका इंटीग्रेशन साइन 2x बाय 2 प्लस सी। स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना क्वेश्चन डन, ये था काम। तो हमें ये अंडरस्टैंडिंग बननी शुरू हो जाएगी, देख देख के हमारे माइंड में एक पैटर्न बनना शुरू हो जाएगा। अब नेक्स्ट करो, सिंपल था पर हमारा सेंस सही बनना चाहिए था। 1 + x का होल स्क्वायर अपॉन रूट एक्स, हमें समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि ऊपर भी दुश्मन नीचे भी दुश्मन, ऊपर भी एनिमी है नीचे भी एनिमी है, मुझसे हैंडल नहीं हो रहा। क्यों? मेरा कोई फॉर्मूला है ही नहीं ऐसा। तो इसको ब्रेक करा, 1 + x का होल स्क्वायर था उसको एक्सपैंड कर लिया और सिंपली हर एक के नीचे रूट एक्स लिख दिया। तो 1/√x हमें क्लियर है ये लॉग ऑफ रूट एक्स नहीं बनेगा, x की पावर -1/2, ये बन गया x की पावर 3/2, ये 2√x। तो अब ये तीन फॉर्मूले बने जो कि हमें तीनों आते थे, ये x की पावर n इसको अलग से करा, ये भी x की पावर n इसको अलग से करा, 2 × ये 2 एज इट इज, इसका आंसर x की पावर 3/2/3/2 प्लस सी। तो सिंपली फिर इसको सिंपली बस वैल्यूज ही डाली, ये अपना आंसर है। अब ऐसे ही नेक्स्ट करो, टर्म गिवन थी कॉस 2x माइनस कॉस 2α अपॉन कॉस x माइनस कॉस अल्फा। डायरेक्टली देख के अब देखो हमें पता नहीं चल रहा, शुरू में क्वेश्चन ने अजीब फॉर्म में ही होना है और ये था। तो अब क्या करें इसमें, इसको ब्रेक करने के लिए क्या करें? सारे टॉपिक में अभी तो क्लियर है, अभी आज वाली क्लास पहली क्लास है, तो इसमें अभी जो कर रहे हैं वो तो बिल्कुल हम लोग बेसिक फॉर्मूले और उस पर अपनी हैबिट बनानी शुरू कर रहे हैं। पर इस टॉपिक में IIT तक जो एंड तक क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें एग्जैक्टली ये थॉट चाहिए कि हमें समझ में आए कि इस टॉपिक में जो पहला स्टेप ब्रेक करना है वही काम है, उसके बाद तो बस हमने रास्ता फॉलो करना है। तो एग्जैक्टली मेजेस वाली गेम में जैसे होता है कि हमारे सामने मान लो कि अगर 10 रास्ते पॉसिबल हैं तो हमने उसमें से सिलेक्ट करना होता है कि कौन से पे चलें जिससे कि आगे एंड तक पहुंच पाएं। तो जब हमने रास्ता डिसाइड कर लिया तो उसके बाद तो बस हमने चलना ही है, वही इस टॉपिक में काम है कि इस टॉपिक में रास्ता डिसाइड करना इज द मेन स्टेप, आइस ब्रेकिंग स्टेप इज द मेन स्टेप। कॉस 2x माइनस कॉस 2α अपॉन कॉस x माइनस कॉस अल्फा, हमें समझ नहीं आ रहा। अगर CD फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमारी कन्फ्यूजन बढ़ रही है, कुछ डायरेक्टली हमें ऑप्टेन नहीं हो रहा, क्या पता उससे भी हो जाए, पर वैसे डायरेक्टली अपेरेंटली कुछ बनता नजर नहीं आ रहा। पर अगर इस कॉस 2x को पढ़ लें 2 cos²x - α, कॉस 2α को अगर पढ़ लें 2 cos²α - 2 cos²x - 1, इस कॉस 2α को पढ़ लें 2 cos²α - 1, तो ऐसा करते दिखता है कि 1 कैंसिल, क्या मिल जाएगा हमें सिंपली cos²x कॉमन लेके -cos²α, और हमें दिखता है कि वो आगे फैक्टराइज हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। सिंपली cos²x - cos²α ये फैक्टराइज हो गया, cos x - cos α हमने कैंसिल कर दिया ऊपर नीचे, बस ये बचा 2 कॉमन है cos x + cos α। अब cos x वेरिएबल है, cos α कॉन्स्टेंट है, सोचो जैसे एक नंबर k है, तो cos x का इंटीग्रेशन हो गया sin x, सिंपली 2 sin x, पर इस cos α का इंटीग्रेशन क्या हो गया x cos α, sin α नहीं होगा x cos α, तो जो हमारा आंसर बनता वो ये हो जाता। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक था
और हमने बिल्कुल देखना था कि इसको ब्रेक करने के लिए क्या करें। अगर मान लो हमने इसमें सीडी फॉर्मूला अप्लाई करा और उससे नहीं हुआ, तो बिल्कुल सोचो कि हमने किसी तरीके से रास्ता ढूंढने वाली गेम में किसी तरीके से हमने ट्राई करा, नहीं हुआ तो वापस आ गए, फिर ऐसे सोचा अब नेक्स्ट करो। देखो था सिंपल, पर अभी बिल्कुल शुरू शुरू में क्योंकि हमारे माइंड में फॉर्मूले भी इतने सेटल्ड नहीं होते, तो हमारी रिकॉग्निशन इस टॉपिक की अभी एक दो दिन एक आधी क्लास अभी लेगी कि हमारा पैटर्न राइट बनना शुरू हो। तो एक्स की पावर 6+1/x² + 1 हमें डायरेक्टली नहीं आता, हमें नहीं समझ में आता ये वाला। अगर 1/x² + 1 होता तो वो हमें करवाया गया, वो हमने फॉर्मूला याद करा था टैन इनवर्स एक्स का। पर हमने एक बात नोटिस करी कि अगर एक्स की पावर 6 को पढ़ लें x² का होल क्यूब और 1 को पढ़ लें 1 क्यूब, तो सिंपली ये a³ + b³ अप्लाई होने पे हमें दिखता है कि सिंपली a+b बनता, x² + 1 वो और वो कैंसिल हो जाता। तो सिंपली हमने क्या करा कि इतनी सी बात का यूज़ करा, सिंपली क्या बन गया, a³ + b³, a+b इंटू a²+b² - ab, सिंपली ये टर्म और ये टर्म कैंसिल। उसके अलावा जो तीनों टर्म्स बनी वो हमें तीनों आती थी, x³ + 5 - x³ + 3 + x + c, ये हमारा आंसर था फाइनली। तो सिंपल था और राइट होना चाहिए था, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था। अब नेक्स्ट देखते हैं। आज वाली क्लास अब इस टॉपिक की फर्स्ट क्लास थी, तो हमने बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग को देखना शुरू करा कि करना क्या है। अब नेक्स्ट क्लास में इसी पैटर्न पे डायरेक्टली, बस इसी पैटर्न पे केवल क्वेश्चंस करेंगे, इसी बात की अंडरस्टैंडिंग को अपनी और ज़्यादा पॉलिश करेंगे कि क्या बताया गया। पर जो आज नाम करे वो नाम और क्या नहीं करना वो सबसे मेजर पॉइंट है, हमने उसको देखना शुरू करा। तो आज वाली क्लास में जो बस इतनी अंडरस्टैंडिंग बनाई, इसको भी अगर हम राइट तरीके से फॉलो कर लें और इस लाइन को सही समझ लें कि हमने ये तो नहीं करना, तो समझो कि हम लोगों ने एटलीस्ट बिल्कुल राइट पाथ पकड़ लिया। तो इस टॉपिक पर जो सबसे बड़ी ट्रबल आएगी वो ये कि हम गलत करेंगे और हमें पता ही नहीं चलेगा। और गलती क्या होगी कि हम लोग ये भूल जाएंगे कि जो फॉर्मूला अप्लाई करना है दैट इज ओनली फॉर एक्स। बिल्कुल बार बार अपने आप को ये बात बोलना, उसके बाद कई बार बोलने के बाद हम लोग इस पॉइंट पर बिल्कुल इस पॉइंट पर 100% करेक्ट होने वाले जोन में आते हैं। तो चलो, जो आज भी काम करा बस इसको एक बार रिकॉल करो।